खुश हो बच्चे आप लोग। आज की क्लास को स्टार्ट करें बाबू। सुनना, आज की क्लास में बच्चा जी हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक। उस पर कुछ क्वेश्चन सीखने वाले हैं बाबू, कैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके मल्टीपल चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पर आप फोर्स निकालोगे, ठीक बाबू। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन करने से पहले बाबू, हम आपको एक छोटा सा पॉइंट याद दिलवा दे रहे हैं जो आपने वेक्टर में पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, कि अगर दो वेक्टर हो, आप मान लीजिए कि पहला वेक्टर है ये ए, ठीक, और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल अगर है थीटा, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे बाबू, याद है आपको? आप लिखते थे रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिखते थे ना? ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था बाबू। अब मान लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से जा रहा था, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? और रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा एंगल निकालते कैसे थे बाबू आप? आप लिखते थे टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक बाबू। तो सुपर पोजिशन थ्योरम पे क्वेश्चन करने के लिए बच्चा जी आपको ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक ना? अगर ये फॉर्मूला याद है तो फिर आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। अब आ जाते हैं बाबू क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखना आप। पहला क्वेश्चन है बाबू कि एक स्क्वायर है, इसे क्या है? स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर के कॉर्नर पॉइंट पर हर जगह प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है बाबू, ठीक, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन देखना, एक स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पर सेम चार्ज प्लस क्यू रख दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा बाबू कि इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए, ठीक। और स्क्वायर के साइड का लेंथ गिवन है ए, दिया गया है क्वेश्चन में कि स्क्वायर के साइड का लेंथ कितना है बाबू, ए है, ठीक। आप कैसे निकालोगे बाबू? देखो, किस चार्ज पर फोर्स निकालना है? इस वाले चार्ज पर बाबू, ठीक ना? तो इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा बाबू? रिमेनिंग जितने भी चार्ज है सब लगाएंगे फोर्स बाबू। इस पर फोर्स ये भी लगाएगा, ये वाला चार्ज भी लगाएगा और ये वाला चार्ज भी लगाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप बताना, इस चार्ज पर ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जरा बताओ। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा बाबू, क्योंकि लाइक चार्ज है, और रिपल्सन का फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, ये इसको अपवर्ड ऐसे धक्का देगा, कोई दिक्कत है इसमें? देखो, अब ये चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा बाबू? ये भी चार्ज इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, कोई दिक्कत है यहां तक में? तो आप बताओ पहले मुझे। अब एक बात बताना, आप इस फोर्स का वैल्यू काउंट कर सकते हो? क्या लिखोगे इस फोर्स का वैल्यू, जरा बताओ तो मुझे पहले आप। अभी तीसरा चार्ज को मैं छोड़ रहा हूं, इस चार्ज पे बाद में काम करेंगे, पहले ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाया है और ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाया है, ये निकाल लेते हैं बाबू, ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है बाबू, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या था बाबू? क्यू वन क्यू टू के बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो जरा देखना, लिखो क्या के, अगर आप इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकालना चाह रहे हो बाबू, तो पहला चार्ज भी क्यू ही है और दूसरा चार्ज भी क्यू ही है,
तो क्यू वन के जगह पर भी हम क्यू डाल रहे हैं बाबू, कूलम्ब लॉ आप सीखे हैं ये सब, और क्यू टू के जगह पर भी क्यू डाल रहे हैं। ठीक, नीचे फॉर्मूला में क्या आता था, आर स्क्वायर, और आर होता क्या था बाबू, क्यू वन क्यू टू के बीच का डिस्टेंस। तो यहां आपका पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बाबू, स्क्वायर का साइड लेंथ, और स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है a, तो लिखा a का स्क्वायर। ठीक, तो क्या फोर्स आ गया जरा देखिएगा, के q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें बाबू, तो इस फोर्स का वैल्यू आ गया के q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर वाले फोर्स की बात करो जरा, अब हम चाह रहे हैं कि ये वाला फोर्स भी निकाल लें, ये वाला। ठीक, ये कितना होगा बाबू, फिर फॉर्मूला लगाओ जरा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब हम इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लें बाबू, तो चार्ज भी यही दोनों यूज करेंगे और डिस्टेंस भी इसी के बीच का यूज करेंगे, तो आप लिखोगे बच्चा जी के पहला चार्ज Q1 के जगह पर Q डाल दे रहे हैं, और दूसरा चार्ज भी Q ही है, Q2 के जगह पर भी हम Q डाल दे रहे हैं बाबू, बाई बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो लिखा a का स्क्वायर, देखो Q2 के जगह पर हमने Q डाल दिया। ठीक, समझे इस बात को, आप इसको भी लिखोगे के Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बाबू, ये फोर्स और ये वाला फोर्स सेम आ रहा है बच्चा जी, नहीं आ रहा है, देखो ये भी है K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और ये भी आया K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ठीक ना, तो इसको भी हम F से ही लिख दे रहे हैं, F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत है बाबू, देखो F से क्यों लिख दिया, क्योंकि जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन लिखा है इसको लिखा F से, तो इसको भी लिख दिया F से ही। ठीक, अब देखो दो चार्ज का काम खत्म हो गया, अब अगला पेयर पे चलो, अब कौन चार्ज इस पे फोर्स लगा सकता है बाबू, अब इस चार्ज पे सिर्फ यही वाला चार्ज फोर्स लगा सकता है, इस दोनों का अपने काउंट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कितना फोर्स लगाया। अब देखो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, पहले निकाल लो, आप लिखोगे क्या, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक, जरा देखना के क्यू वन के जगह पर फिर डाल दो Q, चार्ज तो सेम ही है बाबू, ये भी Q है और ये भी Q है, तो क्यू टू के जगह पर भी Q। अब देखना प्रॉब्लम क्या है, R नहीं गिवन है, R क्या था बाबू, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस गिवन तो नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे बाबू, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, देखो ये डिस्टेंस गिवन है a, ये भी गिवन है a, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा बाबू, और ये एंगल है 90 डिग्री, तो आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आप लिखोगे h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखो परपेंडिकुलर भी a है और बेस भी a है, तो आप लिखिए h स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर, तो रूट 2a। ठीक, h क्या निकला आपको, इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकला रूट टू ए। अब डाल दीजिए आप फॉर्मूले में, आर के जगह पर डाल दो रूट टू ए, तो आप लिखोगे रूट टू ए का होल स्क्वायर, ऐसे तो इसको सॉल्व करोगे बाबू, तो के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर। ठीक, ये निकल के आया बाबू। ठीक ना, अब देखो इसको हम f डैश लिख दे रहे हैं। ठीक ना,
एफ डैश इसलिए लिखा ना, एफ लिखता ना आपको इसी के जैसा दिखता, ठीक है ना, लेकिन फोर्स तो इससे डिफरेंट आया है ना, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, यहाँ के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, इसको एफ डैश लिख दिया, ठीक, अलग फोर्स है तो अलग रिप्रेजेंटेशन लिख दिया इसका, ठीक ना। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चा जी, एकदम ऐसे ये हुआ अपना एफ डैश, ठीक। अब समझिए हमको तीन फोर्स इस चार्ज पर दिख रहा है बाबू, इस चार्ज पर तीन फोर्स लग रहा है बाबू, हमको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक। अब देखना हो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, बिल्कुल आराम आराम से चलना, कंफ्यूज होके मत चलना। देखो फोर्स का रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं, पहला फोर्स है हमारा एफ इधर, दूसरा फोर्स एफ ही है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, पहला फोर्स किधर है बाबू, इस तरफ एफ, दूसरा फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में एफ, ठीक, और तीसरा फोर्स इसके ठीक एंगल वाइज सेक्टर के लॉन्ग है ऐसे एफ डैश, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन लेके निकालना पड़ेगा आपको, ठीक, क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप दो के लिए ही पढ़े हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए, ठीक ना। तो पहले हम इस दोनों का निकाल लेते हैं, इस दोनों का निकाल लेते हैं रिजल्टेंट, ठीक। तो रिजल्टेंट निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू रूट अंडर पहले वेक्टर का स्क्वायर एफ का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एफ कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है बाबू, आप जानते हो बाबू स्क्वायर का ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये भी होगा 90 डिग्री, ठीक। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, आप डाल दीजिए यहां पर 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू, जीरो। इस दोनों को सॉल्व करो पहले, टू एफ स्क्वायर हुआ ये प्लस ये पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा बाबू, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो आप लिख लो यहां जीरो, तो ये निकल गया रूट टू एफ। देखो इस दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया रूट टू एफ बाबू, डायरेक्शन भी निकाल लो, अगर डायरेक्शन निकालोगे तो टेन अल्फा, मान लो रिजल्टेंट कुछ ऐसे गया है और इसका वैल्यू क्या है रूट टू एफ, और अब हम डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं अल्फा कितना होगा, तो अल्फा निकालने के लिए आप लिखोगे बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो देखो बी वाला वेक्टर ये वाला होता था बाबू और ए वेक्टर ये होता था, तो बी के जगह पर आप डालो एफ साइन 90 डिग्री बाय ए भी है एफ एफ कॉस 90, ठीक। तो साइन 90 तो वन है बाबू, ये है एफ ये भी है एफ कॉस 90 जीरो, तो एफ बाय एफ ये कट के आया वन, तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू वन। अब बताओ टेन कितना डिग्री का वैल्यू वन होता है बाबू, 45 डिग्री का, तो जरूर अल्फा कितना रहा होगा 45 डिग्री का, मतलब ये 45 डिग्री। सुनना अब इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है बाबू वो कुछ ऐसा जा रहा है बाबू, इसका मैग्नीट्यूड रूट टू एफ है और वो पहले वाले फोर्स से 45 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है, ठीक। अब समझना इस बात को, ये पूरा एंगल 90 है, यहां से यहां तक अगर 45 है तो ये भी 45 ही होगा, ठीक, समझे ना। कहने का क्या मतलब है कि दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल होना तो उसका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच एंगल बायसेक्टर के अलोंग जाता है, ठीक ना। और ये सब बात तो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो बाबू, पढ़े हो ना बेसिक मैथमेटिक्स में, तुमने ये बताया है कि जब जब दो वेक्टर बाबू इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होगा बाबू बिल्कुल एंगल बायसेक्टर के अलोंग जाएगा, और यहां पर आप देख भी रहे हो, ठीक। अब देखो इसका तो काम खत्म हो गया बाबू, हमारा क्वेश्चन क्या था, ऐसा था क्वेश्चन f f और ये था f डैश, ठीक, यही था ना f डैश। अब देखना f डैश भी बिल्कुल एंगल बायसेक्टर के अलोंग था बाबू, क्योंकि डायगोनल तो एंगल बायसेक्टर के अलोंग इधर जाता है बच्चा जी, ठीक ना।
एफ डैश भी इधर ही है और रिजल्टेंट वेक्टर आर भी इधर ही है, ठीक। अब हमारे पास दो वेक्टर बचा है बाबू, इसका काम तो खत्म, इसका काम खत्म, ठीक। बचा कौन, एफ डैश और आर, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है आपको। आपको तो याद होना चाहिए बाबू, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, नहीं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप लिखोगे एफ नेट इज इक्वल टू आर प्लस एफ डैश, और आर का वैल्यू कितना जरा बताओ, रूट टू एफ प्लस एफ डैश, और एफ का वैल्यू जरा देखो तो क्या आया था बाबू, एफ का वैल्यू था के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एफ डैश का वैल्यू था बाबू के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से आप एक काम और कर सकते हो कि के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो अगर आप चाहो तो, यहां बचा रूट टू, यहां बचा वन बाय टू, ठीक। तो रिजल्टेंट फोर्स का आया वैल्यू बाबू एफ नेट का के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाय टू, और इसका डायरेक्शन किधर है बाबू, इसका डायरेक्शन है रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है बाबू वो बीचों बीच बिल्कुल ऐसे जा रहा है एफ नेट का डायरेक्शन, ठीक। मतलब यहां से 45 डिग्री का एंगल बना के, समझे। फोर्स निकालना है तो आपको दो ही चीज निकालना है बाबू, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इतना निकल के आया और डायरेक्शन आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ठीक। समझे इस बात को, समझे कि नहीं समझे जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपका क्लियर है, वेक्टर अच्छे से क्लियर है तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक बाबू। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे ना आप होमवर्क के लिए कि एक स्क्वायर है ये, ठीक ना, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पर वन कूलम वन कूलम वन कूलम का चार्ज रखा हुआ बाबू, ठीक, और स्क्वायर के साइड का लेंथ है वन मीटर बाबू, ठीक, सबका साइड का लेंथ वन मीटर है बाबू, ठीक ना। आपको इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है, ठीक। तो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे बताना कॉमेंट में, ठीक है बाबू। अब ट्राई करना, जान बुझ कर नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ठीक। अब बाबू देखना, पिछले टेस्ट का आप लोग रैंक देख लेना बाबू, ठीक ना। टॉप पॉइंट पर फिर से अभिनव है, फुल मार्क्स लेकर आओ, 80-90 है उस बच्चे का। उसके बाद आओ अंकिता सेकंड रैंक पर है इस बार, ऋषिता आप देख ही रहे हैं थर्ड रैंक पर है, दिव्यांशु फिफ्थ रैंक पर, राकेश तो फोर्थ रैंक पर है बाबू, ये पिछले बार था नहीं टॉप 10 में, दिव्यांशु था पिछले बार भी टॉप 10 में, ठीक ना। तो दिव्यांशु पिछले बार 5th रैंक पर था, इस बार उसका रैंक 5th ही है बाबू, ठीक ना, थोड़ा और मेहनत करिए बाबू। फिर अनुराग भी कोई नया बच्चा आया है बाबू बीच में, ये विक्रम भी नया बच्चा है, हाँ रंजन, रंजन जो था बाबू इसका रैंक था शायद पिछले बार बहुत पीछे टॉप 10 में ये नहीं था, लेकिन ये इम्प्रूव किया है और अच्छा मेहनत करिए बाबू आप, ठीक। यास्का भी इम्प्रूव किया है, आदित्य भी इम्प्रूव किया है, ठीक। पिछले बार जो बच्चे आए थे टॉप 10 उसमें ढेर सारे बच्चे पीछे चले गए, जिसमें अपराजिता भी है, ठीक ना बाबू, थोड़ा ठीक से मेहनत करिए, अपराजिता है, और रिया भी पूछी थी ना रैंक, हालांकि आप लोगों को तो रैंक मिल जाएगा बाबू, आपके नंबर पर मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक। रिया पूछ रही थी रैंक, तो उसका रैंक मैं बता दूं, रिया का रैंक था 17, ठीक, तुमने टॉप 10 का ही लिखा है, वो टोटल 201 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इस बार, ठीक। और कौन कौन बच्चे थे बाबू, एक और है यथार्थ बाबू, आपका ये आंसर शीट ही मुझे नहीं मिला इसलिए मैं रैंक नहीं बता पा रहा हूँ आपका, ठीक। ये रैंक लिस्ट है बाबू पिछले टेस्ट के, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, हालांकि मार्क्स और रैंक आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक ना, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, ये मेरा ही नंबर है ये वाला, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक, या कॉल भी कर देना, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, या कोई बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं तो भी वो इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक बाबू, ठीक बच्चा जी, आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे देना कमेंट में, ठीक ना। दिव्यांशु थोड़ा और मेहनत करो बाबू, और अभिनव जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो ना कि बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक वन आएगा आईआईटी में, ठीक, आईआईटी नीट जिसमें बैठोगे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई टेंशन नहीं।
आप बस इसी तरह से मेंटेन रखना गुरु को। ठीक दिव्यांशु, और आगे बढ़ो बाबू, सभी बच्चे आप 80-80 लाओ ना, 100% लाओ ना। ठीक ना, अगर आप यहाँ पर लगातार 100% मेंटेन करके रखोगे तो फिर रैंक वन आ गया सीधे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक ठीक बच्चा, रहने दे रहा हूँ मैं यहीं तक, आराम से मेहनत करिए। ठीक ना, थैंक यू बाबू।